डब्ल्यूडी लेके आई हूँ। जोहा की ईद की शॉपिंग करनी है, बहुत टेंशन है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या लें। और साथ ही साथ मैंने अपने भाई की शादी भी ईद के फोर्थ डे है, तो उसके लिए भी जोहा का ड्रेस फाइनल नहीं हुआ। वलीमे का तो ले लिया लेकिन बारात का फाइनल नहीं हो रहा। मैं 4-5 दिन से काफ़ी जगह फिर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लूँ। चीज़ें कुछ पसंद आती हैं, कुछ के कलर्स नहीं पसंद आते, जिसके कुछ सब कुछ पसंद आ जाता है उसमें साइज़ नहीं मिलता। काफ़ी अच्छी PWD में वैरायटी है। मैं पहले 2-3 दिन से पिंडी रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट और सदर में भी घूमी, और लेकिन उसमें लेटेस्ट फैंसी फ्रॉक्स नहीं मिल रहे थे। मतलब फैंसी फ्रॉक्स तो थे लेकिन मुझे, मैं जो चाह रही थी कि एक फेरी लुक आए उसको ईद पे भी और इसके मामू की शादी पे भी, कि एक प्रिंसेस और एक फेरी वाला लुक आए। हम लोग उस तरीके का फ्रॉक्स देखना चाह रहे थे। मैं PWD में एक शॉप पे आई हूँ। इसके ये कॉटन के जो हैं ये काफ़ी अच्छे थे और नॉर्मल प्राइसेस थी इनकी, अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट 1500 to 1500 तक की थी ये प्राइसेस इनकी शर्ट्स की। अच्छी क्वालिटी थी इनकी और यहाँ पे शूज़ भी थे, लेकिन जो मैं चाह रही थी, मुझे जो कलर पसंद था वो मुझे नहीं मिल रहा था। और आजकल लेटेस्ट समर कलेक्शन भी इनके पास काफ़ी आई हुई है। ये मामास के नाम से शॉप है PWD में। हम लोग ना, क्योंकि वो उसको ज़्यादा हम लोग फैंसी भी नहीं करना चाह रहे थे, मैं इसको देख रही थी कि जोहा को ऊपर बॉडी चुभे ना, क्योंकि उसको अगर हल्की सी भी अंदर से साइड से चुभती है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है। इसमें भी है ये वाइट फ्रॉक, ये इन सब की जो रेंज है वो थी 5000 to 6000 तक की, और इन पे ऑफ भी था 30% ऑफ। 30% ऑफ के बाद राउंड अबाउट 5500 तक वो बन जाती है। हम लोग इसका थोड़ा सा डिफरेंट इस दफा चाह रहे थे कि फेरी फ्रॉक हो, साथ ईद पे भी और मेरे भाई की शादी पे बारात पे भी, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको दूसरा वो जो घाघरा और शरारा और गोटे वाली शर्ट और काम वाली, उसमें आपको पता है आजकल गर्मी बहुत है और बच्चे बहुत ज़्यादा फिर तंग करेंगे, और जोहा ने फिर मुझे बहुत ज़्यादा शादी पे भी तंग करना है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसकी फ्रॉक्स हो। साथ में मैं इनकी समर कलेक्शन भी देख रही थी, समर के भी स्टफ देख रही थी, जोहा के लिए लेना चाह रही थी। इस शॉप से जो है वो मेन ड्रेस तो लिया नहीं, लेकिन जोहा का बाकी समर के सूट्स भी काफ़ी ले लिए। काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइसेस थी, 2500 का ये टॉप था, ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छी क्वालिटीज थी। एंड इवन ये शूज़ भी काफ़ी फैंसी थे, फ्लैट्स, इनकी भी प्राइसेस जो थी वो 2500 to 2800 थी। हम लोग रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट में, हम लोग कमर्शियल मार्केट में भी फिरे, लेकिन उसमें एक तो वैरायटी इतनी नहीं थी, ऊपर से वैरायटी जो थी वो मतलब कि कुछ अच्छी नहीं थी। PWD में बहुत अच्छी थी। ये आप देख रहे हैं, ये फ्रॉक्स मुझे कुछ अच्छे लगे थे। ब्राउन वन में नहीं चाह रही थी मैं, कलर चाह रही थी पिंक को, बेबी पिंक को। इसकी जो प्राइस थी वो 3500 थी। ये वाला कितने का होता है? सॉरी, 3500 थी, और साइजेस पे वेरी कर रहा था कि जितने बड़े साइजेस होंगे उससे ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज करती जाएंगी। आफ्टर ऑफ 3500 थी, वैसे जो है इसकी प्राइस 5000 थी। काफी बड़े बड़े अच्छे प्यारे खूबसूरत ब्राइट कलर्स बच्चियों पे, और लाइट कलर्स भी, हर तरह के कलर्स, डिफरेंट कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन कमर्शियल मार्केट में इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी। अगर आपको ईद की अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, तो मैं तो 3 जगह 5 दिन से घूम रही हूँ, सदर भी घूमी हूँ सारी, और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत फ्रॉक है।
मैं सदर भी घूमी हूँ और कमर्शियल मार्केट भी मैंने सर्वे की है, लेकिन सारा नॉर्मल वही रिटा पिटा और प्राइसेस वही हैं, इंक्रीज की हुई हैं, काफ़ी हाई हैं प्राइसेस भी। लेकिन क्वालिटी अगर प्राइस दो भी तो फिर आपको कम से कम एटलीस्ट चीज़ तो अच्छी मिलनी चाहिए ना। बट PWD में काफ़ी वैरायटी भी है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं इनके ऊपर जो है वो एक एक जो फूल बना हुआ है ना इन फ्रॉक्स के ऊपर, ये एक एक फूल 200 to 250 का मिलता है। एक फ्लावर 200 to 250 का मिलता है, तो आप फिर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इसको सिलवाएं तो ऊपर बॉडी का कपड़ा, नीचे नेट का कपड़ा आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, 7 to 8 thousand। अगर आप खुद कपड़े लेके और खुद सारा सिलवाएंगे, आपको कैन कैन भी लगानी है, आपको साथ में उनके फ्लावर्स भी अरेंज करने हैं, और जितने सीक्वेंस और हैवी वाले फ्लावर्स होंगे उसकी उतनी ज़्यादा प्राइसेस है। क्योंकि मैंने पहले जाके नॉर्मल शूज पापा जा रहे हैं, जाए 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 कुकू पास जा रहे, शूज पहने जाए, उसकी उतनी ज़्यादा प्राइसेस हो जाएंगी जितने ज़्यादा आप कस्टमाइज्ड अगर बनवाओगे। तो बेटर ये नहीं है कि आप रेडीमेड जाओ, रेडीमेड लो, रेडीमेड सारा कुछ कर लो, और रेडीमेड आपको इतने फैंसी, आपको ना टेलर का वो, ना ऊपर से नीचे कैन कैन अलहदा आपको लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद नेट अलहदा, फिर उसके बाद सारी स्टिचिंग अलहदा, और फिर भी वो चीज़ नहीं बनती जो कि आपने सोचा हुआ होता है, इमेजिन किया हुआ होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस तरह के और ब्लॉग्स चाहते हैं कि मैं इस तरह के और ब्लॉग्स बनाऊं और आपको लेटेस्ट किड्स कलेक्शन दिखाऊं, तो हिना बिलाल शो को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं ऐसी और वीडियोस बनाना, अगर ऐसी और वीडियोस आप लेटेस्ट कलेक्शन, किड्स कलेक्शन ईद के लिए देखना चाहते हैं तो बताएं, फिर मैं आपको और भी वीडियोस बना के दिखाऊंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।